हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं HDFC बैंक के बारे में। यहां पर काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन अकाउंट अपना ओपन किए होंगे, या तो आप फिर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए होंगे या फिर इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन किए होंगे। तो यदि आपका डेबिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि आपके नाम से डेबिट कार्ड इशू हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि आपके नाम से डेबिट कार्ड जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसको पता किस तरह से किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के आगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के आगे मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि यदि आपका डेबिट कार्ड नहीं आया है तो पहले आपका दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आपका डेबिट कार्ड यदि आपके नाम से इशू होता है तो आपके मोबाइल पर इस तरह का मैसेज प्राप्त होगा। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि इस तरह का मैसेज नहीं भी मिलता है तो आप किस तरह से पता करेंगे कि आपका डेबिट कार्ड इशू हुआ है या फिर आपके नाम से डेबिट कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वीडियो के आगे हम बताएंगे। पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि HDFC बैंक का यदि आपका डेबिट कार्ड ज़्यादा दिन हो चुका है और आपका नहीं मिला है अभी तक, तो आप क्या कीजिए, KYC करा लीजिए। जिस भी ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है वहाँ जाकर के आप KYC करा सकते हैं। तो KYC कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। आप अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के जाएंगे और आपका KYC कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आपको हम दिखाते हैं कि इस तरह से हम चेक करते हैं कि आपके नाम से डेबिट कार्ड इशू हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक आपके नाम से HDFC बैंक का डेबिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ होगा तब तक आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको ये मैसेज प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम HDFC बैंक खोल लेंगे पहले अपने गूगल में। यहाँ पर देखिए HDFCBank.com जैसे ही खोलेंगे आपको इस तरह से नजर आएगा। अब इसमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए सिंपल यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन दिख रहा है, फिर से लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें आपको लॉगिन करना है, यहाँ कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अपना कस्टमर आईडी डाल करके इसमें लॉगिन हो जाइए, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से ये ओपन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर नाम देख लीजिए, ऊपर में आपको दिख जाएगा रुचि नाम से है। तो मैंने आप लोगों को जो अकाउंट ओपन किया था आपको देखे होंगे तो इसी नाम से अकाउंट ओपन हुआ। तो ये आपको ये बात यदि आपको कन्फ्यूज लगता है कि दूसरा अकाउंट है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नाम ऊपर में दिख जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ कार्ड पर क्लिक करना है। चलिए कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको डेबिट कार्ड स्टेटस दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर देखिए कार्ड नंबर दिख रहा है और यहाँ पर देखिए एक्टिव यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ कार्ड नंबर और यहाँ पर एक्टिव, और साथ ही नीचे में आ जाएगा आपको कि डेबिट कार्ड का पिन रीसेट करने के लिए पिन इंस्टेंटली यहाँ पर आ जाएगा। तो आप घर बैठे पिन भी रीसेट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना डेबिट कार्ड का। तो नहीं जानते किस तरह से हम घर बैठे पिन बनाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जा करके ज़रूर देख लीजिए। आपको यदि आपका डेबिट कार्ड आपको नहीं जनरेट हुआ होगा आपके नाम से, यदि आपका डेबिट कार्ड आपके नाम से जनरेट नहीं हुआ होगा, आपके नाम से नहीं बना होगा, तो यहाँ पर जैसे कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये नज़र आता है। यहाँ पे कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके नाम से कार्ड इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है नो डेबिट कार्ड ATM कार्ड लिंक टू द कस्टमर आईडी। जैसे ही आपके नाम से यहाँ पर डेबिट कार्ड इशू होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके नाम से कार्ड। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल था कि सर हम अपना डेबिट कार्ड कैसे फिर से मंगाते हैं, नया डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं HDFC बैंक का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो नेट बैंकिंग लॉग इन करना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, कार्ड पर क्लिक करना है। कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख रहा है, रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड के बारे में सारा कुछ खुल जाएगा, जैसे इंस्टेंट पिन जनरेशन, यहाँ पर रजिस्टर्ड न्यू कार्ड, डी रजिस्टर्ड कार्ड, ऑटो पे, यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। तो पहले क्या करना होगा, आपका जो ये जो डेबिट कार्ड है इसका पहले आपको बंद करना पड़ता है। इसे यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड स्टेटस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंक्वायरी, यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख रहा है, रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आ गया डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये डेबिट कार्ड को आपको बंद करना होगा।
तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको बंद करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप बंद कर देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आ गया री इशू ऑफ हॉट लिस्ट कार्ड, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना बंद कर लेंगे जो कार्ड आपके नाम से पहले इशू किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि मेरे केस में ऑप्शन नहीं आ रहा चूँकि मेरा कार्ड अभी एक्टिव, मैंने इसको जो डेबिट कार्ड है इसको बंद नहीं किया। जब बंद करेंगे उसके बाद ही ऑप्शन ये आता है। इसके बाद यहाँ पर पिन जनरेशन का भी आता है ऑप्शन, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कार्ड, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से पिन जनरेट आप कर पाएंगे। तो किस तरह से हम डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करते हैं आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आपको ज़रूर जा कर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने आपको समझा दिया कि यदि आपका नेट बैंकिंग, तो दोस्तों आपका यदि अकाउंट आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो आपका डेबिट कार्ड नहीं आया है तो आप किस तरह से मालूम करेंगे, आपको यहाँ पर देखा दिया मैंने आपको किस तरह से मालूम करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।